नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से भी दोस्तों जुड़ जाइए और वहाँ पर सभी वीडियो की PDF उपलब्ध होंगी। दोस्तों चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? दोस्तों भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था दोस्तों? तो 1945 में दोस्तों बना था। कब बना था दोस्तों? 1945 में बना था दोस्तों। संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किसने की थी दोस्तों? संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत दोस्तों किसने की थी दोस्तों? तो दादा भाई नवरोजी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? दादा भाई नवरोजी ने की थी दोस्तों। किस देश के साथ डूरेंट लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था दोस्तों? किस देश के साथ डूरेंट लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था दोस्तों? तो किससे डूरेंट लाइन दोस्तों भारत से किसको विभाजित करती है दोस्तों? है तो अफगानिस्तान को विभाजित करती है दोस्तों। नैयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नैयर जो है सिंचाई परियोजना दोस्तों है या किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है दोस्तों? वह जीव कौन सा है दोस्तों जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है दोस्तों? है कौन है दोस्तों? लाइकेन है दोस्तों। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? चूहों के विष का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? जिंक फास्फाइट है दोस्तों। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है दोस्तों? दोस्तों खाद्य परिरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा है दोस्तों? है तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है दोस्तों। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है दोस्तों? तंबाकू का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें दोस्तों निकोटीन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? निकोटीन होता है दोस्तों। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है दोस्तों? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस दोस्तों प्रयुक्त है दोस्तों? तो एथिलीन है दोस्तों। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में दोस्तों कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों 0 कैलोरी होती है दोस्तों। विषाणु वृद्धि करते हैं दोस्तों? विषाणु दोस्तों किस में वृद्धि करते हैं दोस्तों? तो जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करते हैं दोस्तों। दोस्तों भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है दोस्तों? भारतीय संविधान दोस्तों कितने भागों में विभाजित है दोस्तों? तो 22 भागों में विभाजित है दोस्तों। किस वंश के शासक खुद को सूर्यवंशी कहते थे दोस्तों? किस वंश के शासक खुद को सूर्यवंशी कहते थे दोस्तों? तो दोस्तों सिसोदिया वंश के लोग कहते थे दोस्तों। लोकसभा के शून्यकाल की अविधा कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा के शून्यकाल की अविधा दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? तो 1 घंटा होती है दोस्तों। दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? कैल्सिटोनिन की दोस्तों हार्मोन्स का निर्माण दोस्तों कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो अपटू ग्रंथि करती है दोस्तों। बैसोप्रिन हार्मोन्स का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो दोस्तों बैसोप्रिन हार्मोन्स का निर्माण दोस्तों कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो पक्षपीयूष ग्रंथि करती है दोस्तों। मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? दोस्तों मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो असम राज्य में होता है दोस्तों। अपना खेत अपना काम नामक योजना कहाँ लॉन्च की गई दोस्तों? अपना खेत अपना काम योजना दोस्तों कहाँ लॉन्च की गई दोस्तों? तो राजस्थान में लॉन्च की गई दोस्तों। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दोस्तों जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया जाता है दोस्तों?
आकाश मिसाइल का परीक्षण दोस्तों कहाँ से कहाँ किया गया था दोस्तों? तो अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था दोस्तों। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? तो दोस्तों लोसुंग त्योहार दोस्तों कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? तो सिक्किम में लोकप्रिय है दोस्तों। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था दोस्तों? वनस्पति में जीवन होता दोस्तों, इसका शोध किसने किया था दोस्तों? तो जेसी बसु ने किया था, यानी कि जगदीश चंद्र बसु ने किया था दोस्तों। परम शून्य ताप पर क्या होता है दोस्तों? दोस्तों परम शून्य ताप पर क्या होता है दोस्तों? आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? आणविक की जो गति है दोस्तों अवरुद्ध हो जाती है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग दोस्तों कौन है दोस्तों? तो पीर पंजाल है दोस्तों। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों? दोस्तों भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों? दोस्तों किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों किससे की जाती है दोस्तों? तो उत्पादन कार्यों का योगफल द्वारा की जाती है दोस्तों। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था दोस्तों? दोस्तों सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था दोस्तों? तो मार्टिन बहम ने बनाया था दोस्तों। किसने? मार्टिन बहम ने बनाया था दोस्तों। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है दोस्तों? दोस्तों पेट्रोलियम किसका मिश्रण है दोस्तों? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है दोस्तों। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो विष्णुगुप्त था दोस्तों। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।